शुभ प्रभात किसान एवं कारोबारी बंधुओं, आज 23 सितंबर 2021 मैं कर्नल अजय सीईओ ajaystromanigurus.com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि जिंसों पर क्या संभावना बनेगी, शेयर बाजार के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहेगा और सोने चांदी के अंदर आज क्या चाल रह सकती है। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। हमारे पिछले शो में हमने कॉपर में यानी तांबे में तेजी की बात कही थी। कल 3% की एक तरफा बड़ी तेजी कॉपर ने दर्ज की। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। शेयर बाजार के अंदर हमने टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, होटल इंडस्ट्री, दूर संचार की कंपनियां और फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर बात की थी। सभी सेक्टर्स और सभी स्टॉक्स ने जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया और कृषि जिंसों के अंदर भी सुझाई गई कमोडिटी के अनुसार ही बाजार चले। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। बाजार ऊपर चल रहे हैं या तेज चल रहे हैं, लेकिन आपको आपका मुनाफा सुनिश्चित जा सकता है राशियों पर भी आप नज़र रखें। माफ कीजिए, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ मेष, सिंह एवं धनु राशि। आज आपके लिए दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखनी चाहिए अतिरिक्त सावधानी। वृषभ, कन्या और मकर राशि 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, मिश्रित फल की तरफ इशारा कर रही हैं। बड़े सौदों से बचे 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियाँ हैं, आज मुनाफा कमाने की संभावना अधिक बनती है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। जल तत्व की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन यानी 4, 8, 12 आप मुनाफा कमा सकते हैं। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 1 से 2 बजे के बीच रखिए अतिरिक्त सावधानी। ये थी राशियों के आधार पर आज आपका नफा नुकसान। अब एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। कपास यानी कॉटन एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि उपज है पूरे भारतवर्ष के लिए। भारत का अहम रोल विश्व कॉटन यानी वर्ल्ड कॉटन मार्केट में रहता है। 2 से 3 सप्ताह के अंदर कपास के अंदर तेजी की संभावना बन रही है। गौरतलब है अक्टूबर माह में कपास की फसल आने वाली है, अतः किसान एवं कारोबारी बंधु इस पर विशेष ध्यान रख सकते हैं। सितंबर माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में तेज बरसात, अक्टूबर माह के अंदर यदि बरसात जारी रहती है, इससे कॉटन यानी कपास के पर भी नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसका असर बिनौला खल, कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल केक, इन सभी पर पड़ने की संभावना है। गौरतलब है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और लगातार 3 महीने भी पहले भी आपको कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई अगस्त औसत से कम बरसात, सितंबर में बहुत तेज बरसात और दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर माह तक सक्रिय रहने की संभावना अक्षरत सत्य साबित होता देखा जा रहा है। आज यदि हम कृषि जीन्सों पर नज़र रखने की बात सोचें तो सरसों एवं सोयाबीन यानी ऑयल सीड में तेजी की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि सोयाबीन की एक अहम फसल ऑयल सीड में मानी जाती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर तेज बरसात से इसकी फसलों का नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है, इससे भी इसको तेजी को बल मिल सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आज क्या संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में टाटा स्टील पर हमने बात की थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे बात की थी, पीडीलाइट इंडस्ट्री पे बात की थी, फर्टिलाइजर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के ऊपर बात की थी। सभी स्टॉक्स ने कल भी तेज धमाल मचाया और आज भी तेजी की संभावनाएं दिखा रहे हैं। टाइम पे मुनाफा वसूल करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के अंदर होटल इंडस्ट्री जिसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी कहते हैं उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आज आप ताज जीवी के पर नज़र रख सकते हैं, इंडियन होटल पर नज़र रख सकते हैं, टाटा स्टील पर नज़र रख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर पर नज़र रखी जा सकती है। ये था शेयर बाजार के का आकलन। अब बुलियन के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। बुलियन के अंदर आज सिल्वर यानी चांदी की चमक फीकी पड़ सकती है। चांदी के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं। याद रखिए कल हमने कॉपर में बड़ी तेजी की बात कही थी, जबरदस्त तेजी दिखाई। आज सिल्वर के अंदर ध्यान रखिए, अतिरिक्त सावधानी रखिए, आज उसमें कमजोरी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दोस्तों एक विशेष बात, आप भारत की इन रहस्यमय विद्याओं को सीख भी सकते हैं।
ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स हम हर रविवार और शनिवार को कंडक्ट कर रहे हैं। आप भी इसमें इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और अति महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं। कोई भी नफ़ा या नुकसान उसकी जिम्मेदारी मेरी या चैनल की नहीं होगी। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपने प्रामाणिक सलाहकार, स्वयं का अध्ययन एवं विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी क्षमताओं के आधार से अधिक बिल्कुल कार्य ना करें। 2% से ज़्यादा नुकसान कभी भी एक दिन के अंदर लेना हितकर नहीं होता है। बाजार, चाहे वो शेयर बाजार हो, कृषि जींस हो या फिर कमोडिटी बाजार, आप अपनी क्षमताओं के आधार पर ही काम करें तो बेहतर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।